अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। चले तो फिर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी, तुरई मसाला। ये तुरई है जो जैसे मैंने पानी में भिगो कर अच्छी तरह से काट कर भिगो कर रख दिया है। और इसमें हाफ चम्मच 2 चम्मच दही लूँगी मैं, ये वाले, और दही जाएगा इसमें, बाकी सब पाउडर मसाले हैं। हाफ चम्मच लाल मिर्च है, हाफ चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, हाफ चम्मच हल्दी है, हाफ चम्मच नमक है, हाफ चम्मच धनिया जीरा और गरम मसाला है। 8 से 10 कली लहसुन मैंने बारीक चॉप करके रखा है। ये बादशाह मसाला है वेज, ये हाफ चम्मच जाएगा, और 1 टमाटर जाएगा और हरी मिर्च है। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। चले तो फिर मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दिए, इसमें अंदाज से मैं 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी। 2 चम्मच है ये। जब ऑयल गर्म हो जाए, चूल्हा हम हाई रखेंगे, गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे, और अगर तेल हमारा गर्म हो जाए तो ये चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे, टमाटर जब नरम हो जाए तो फिर हम इसमें पाउडर मसाला ऐड करेंगे। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट होने जा रहे हैं, हम इसमें पाउडर मसाला ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। दही डालने से इससे अच्छा टेस्ट आता है। स्लो चूल्हे पे हम बनाएंगे क्योंकि स्लो दही में तो फट जाएगा, अगर हाई चूल्हा रखेंगे तो हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो दही फट जाएगा। अच्छी तरह से मैंने इसमें दही को मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा भून रहा है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, तेल के ढक देंगे, फिर देखते हैं। चलिए तो फिर चेक करते हैं। इसमें हाफ चम्मच बादशाह मसाला ऐड करेंगे। हम इसे तुरई धो के रखी है पूरी डाल देंगे हम इसमें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है ये, एक बार बनाकर जरूर देखना। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, गैस की फ्लेम लो रखेंगे और उसे ढक देंगे, खुद ही पानी इतना छोड़ेगा। तो चले फिर चेक करते हैं। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं डाला था, इसमें कितना पानी रिलीज किया है। अभी ये सॉफ्ट नहीं हुए, मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। चले तो फिर हम चेक करते हैं। माशाल्लाह पूरी की सब्जी बनकर तैयार है, ऑयल ऊपर आ चुका है, तुरई भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो चले फिर डिश आउट करते हैं। चले तो फिर हमने डिश आउट कर दिया है तुरई की सब्जी को। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी तुरई मसाला की? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने घर वालों को बनाकर खिलाना। मसाला बहुत टेस्टी बनती है ये तुरई की सब्ज़ी, एक बार बनाकर ज़रूर देखना। और मेरे चैनल को टेस्टी टेबल फूड को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और एक बार रेसिपी बना के ज़रूर देखना और मुझे फीडबैक देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना।